तो आज की बड़ी खबर की शुरुआत एक ऐसी खबर से जो हर माता पिता के लिए बेहद जरूरी है, ऐसी खबर जिसे देखकर और सुनकर आप भी एक बार सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आपका बच्चा कितना सुरक्षित है। यूपी के गाजियाबाद में क्रेच में 4 साल की मासूम से रेप के केस में हंगामा शुरू हो गया है। वारदात से नाराज लोगों ने हंगामा किया है, तो नाराज लोग क्रेच के बाहर पहुंचकर हंगामा कर रहे हैं। तो इस क्रेच को चलाने वाली महिला के ससुर पर मासूम बच्ची से रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लोगों की नाराजगी कम नहीं हो रही। लोगों ने जाम लगा दिया है। नाराज लोगों की मांग है कि पुलिस मामले की तेजी से जांच करे। आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, ये बच्ची जिसके साथ क्रेच में रेप होता रहा, मेडिकल टेस्ट में भी अब पुष्टि हो चुकी है। लेकिन बहुत अहम सवाल यह है कि जब बच्चों को क्रेच भेजा जाता है तो उम्मीद के साथ भेजा जाता है, उनके माता पिता इस उम्मीद से भेजते हैं कि उनका बच्चा वहां पर सुरक्षित होगा, महफूज होगा, उसका ख्याल रखा जा रहा होगा। तो इस पूरे मामले पर सोसाइटी के लोगों का क्या कहना है वो भी सुनते हैं। गुस्सा इस बात का है कि हम लोग इनके हाथ में बच्चे देते हैं एक माँ की तरह कि ये लोग सेफ रखेंगे, लेकिन हमारे बच्चों को बिल्कुल बिल्कुल अनसेफ कर रखा है इन लोगों ने। ऐसे इंसान को तो यहाँ होना नहीं चाहिए। बस ये इनकी खुद की पोती उसी एज की है, तो ये तो ये बुढ़ा इतना भी शर्म होगा कि उसकी अपनी पोती को भी लपेटे में लिया होगा। सारे के सारे वैसे ही हैं, सारे को बाहर निकालो यहाँ से, सोसाइटी में गंद मचा रखी, गंद बाहर कर दो बिल्कुल। उसकी मानसिकता को देखते हुए कि कहीं ऐसा तो हुआ नहीं है, तो जो इनिशियल हम लोग पूछ सकते हैं बच्चे से वो जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उसका कोई रिएक्शन इस तरह का देखा नहीं गया। एक जो टर्म जुड़ा हुआ है दादू इज द वर्ड वेयर एवरीबॉडी इज एसोसिएटेड विद हिज ग्रैंडपेरेंट्स, और एक दादू वर्ड से विश्वास खत्म हो गया लोगों का। कौन से दादू पे विश्वास करेगा इन सब। हाँ, मेरी बेटी भी आती थी और आई एम शॉक्ड कि When I asked कि बेटा कल कुछ हुआ था, when she said मामा दादू को ले गई, मैंने पूछा क्या हुआ, तो आंटी ने बताया कि कोई गाड़ी हिट कर गई, कुछ गाड़ी ने के साथ हो गया है। आई वॉज वेन आई गॉट द न्यूज फ्रॉम 1506 वाले भैया ने मुझे जब बताया, आई वॉज शॉक्ड कि ऐसा कुछ कैसे सामने आ गया। अनुराग चड्डा हमारे साथ तमाम जानकारियां देने के लिए जुड़ चुके हैं। अनुराग, वहां जो सोसाइटी में लोग रहते थे वो भी एक तरीके से कहें बहुत शॉक्ड है ये पूरा मामला जो दिल दहला देने वाला है। आप किस तरीके से इस पूरे मामले को लिया जा रहा है? आरोपी गिरफ्तारी तो हो गई है, पूछताछ में उसने क्या बताया है? देखिए श्वेता, आरोपी पूरी तरह से खामोश है। पुलिस ने तमाम तरह के सवाल उस आरोपी से पूछे, उससे ये कहने की कोशिश की गई कि भाई आपकी उम्र इतनी है और आपने इतनी घिनौनी हरकत कैसे की, लेकिन एक भी शब्द वो आरोपी नहीं अपने मुंह से उसने बोला। और जो बच्ची थी उसने पूरी जो घटनाक्रम था पूरा अपने उसने बच्ची ने बताया, और जो वर्ड्स उसने एफआईआर में लिखवाए अपने बोल के, तो वो उन वर्ड्स को हम बोल भी नहीं सकते सामने रूप से, इतना कितने घिनौनी तरीके से ये घटना यहाँ पर श्वेता होती थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें पुलिस की कार्रवाई की, तो पुलिस ने धारा 376, धारा 377 के अलावा पॉस्को एक्ट पुलिस ने लगा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मामले में कि जो सोसाइटी के लोग हैं उनका ये कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो आरोपी है उसके जो परिवार के लोग हैं उनसे भी पूछताछ जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जो क्रैश था उसमें आरोपी के अलावा और भी परिवार के लोग रहते थे, उसकी पुत्र वधू ये चलाती थी, लेकिन बाकी लोगों को इस बारे में नहीं मालूम, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव है, इस वजह से पुलिस बाकी लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसके अलावा जो घर में दूसरे लोग हैं जो आरोपी के घर में है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इस केस को हम मैनेज करा लेंगे, और ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस ने इस मामले में हमारी बात नहीं सुनी है। तो मतलब मामले को दबाने की कोशिश घर वाले ही कर रहे हैं अब? जी बिल्कुल श्वेता, यही सबसे बड़ी विडंबना थी कि रात तक तो जो सोसाइटी के लोग थे उन्होंने उनको कुछ ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आरोपी ने कुछ किया है तो पुलिस ने उसको जेल भेज दिया, तो इस वजह से लोग शांत रहे। लेकिन जब आरोपी के परिवार के लोग थे उनका इस तरह का एटीट्यूड उन्होंने देखा, तो तब जाकर लोगों का जो गुस्सा था वो और भड़क गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में और जांच होनी चाहिए, और भी बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे, कहीं किसी और बच्चे के साथ तो इस तरह की घटना उस आरोपी ने नहीं की है, या उनके परिवार के लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है? तो यही इन लोगों का सवाल है। उनका कहना है कि कम से कम पूछताछ तो हो उनके परिवार के लोगों से अच्छी तरह से, ताकि और जो घटनाक्रम है वो साफ तौर पर निकल कर सामने आए। बिल्कुल, और ये भी अब जानना बड़ा अहम है कि क्या बाकी लोग भी इन्वॉल्व थे, क्या उनको ये सब पता था कि ये सब हो रहा है घर पे। अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए। ये मामला क्या है, कब से ये क्रेच चल रहा था, जरा ये सबसे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं। क्रेच में 4 साल की बच्ची से दरिंदगी, दिल्ली से सटे गाजियाबाद की वारदात, हर माता पिता के लिए जरूरी खबर।
क्रेच में कितना महफूज आपका बच्चा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से शर्मनाक खबर आई है, ऐसी खबर जो हर माता पिता के रोंगटे खड़े कर दी। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक के गार्डनिया सोसाइटी में 4 साल की बच्ची से रेप की वारदात सामने आई है। बच्ची से रेप सोसाइटी में चलने वाले क्रेच में हुआ है। रेप का आरोप क्रेच संचालिका के ससुर पर लगा है। पीड़ित मासूम के माता पिता सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब क्रेच में छोड़े जाने पर मासूम जोर जोर से रोने लगी। माँ के पूछे जाने पर बच्ची ने क्रेच मालिक के ससुर की गंदी बात बताई। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना विजयनगर क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर थी बच्ची के साथ बलात्कार की घटना प्रकाश में आई। मेडिकल जांच में बच्ची के साथ रेप की पुष्टि हुई है, लेकिन फिर भी क्रेच संचालिका का ससुर दरिंदगी के आरोपों से इनकार कर रहा है। पूछताछ में यह भी पता चला है कि आरोपी बच्ची का पिछले 4 महीने से यौन शोषण कर रहा था। बच्ची से रेप का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उस पर आईपीसी की धारा 376 और पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। गाजियाबाद की घटना के बाद क्रेच कितने महफूज हैं, इस पर सवाल खड़ा हो गया है। याद राम, इंडिया 24/7, गाजियाबाद। अनुराग, एक बात और बताइए कि इस तरह से उस सोसाइटी में कितने क्रेच चल रहे थे और क्या क्रेच को लेकर आप किस तरह का कोई इंस्ट्रक्शंस दिया गया है? आप बाकी जगह क्या एक तरीके से कहें कि ये जानने की कोशिश हो रही है कि कौन से क्रेच कब तक चल रहे थे, कौन उन्हें चला रहा है? देखिए श्रोता, जो भी क्रैच चलते हैं उनको चलाने का बकायदा एक नियम होता है, जो भी अथॉरिटी होती है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, बताना होता है कि आप इस घर में ये काम कर रहे हैं, और जो फ्लैट्स हैं उनमें किसी भी तरह का श्वेता कमर्शियल काम करने की इजाजत नहीं दी जाती, उसके लिए बकायदा परमिशन होती है, पुलिस की परमिशन होती है, अथॉरिटी की परमिशन होती है। लेकिन जो एनसीआर में फ्लैट्स कल्चर हावी हुआ है उसमें तमाम तरह के ऐसे काम होते हैं जो पूरी तरह से असंवैधानिक होते हैं, किसी तरह की कोई परमिशन नहीं ली जाती। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उन लोगों की है जो बच्चे, जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ऐसे ही किसी ना किसी क्रैच में छोड़ देते हैं और ये जानने की कोशिश नहीं करते कि क्या वास्तव में जो इस परिवार से जुड़े लोग हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, जो चलाते हैं वो लोग, वो कितने ठीक हैं या उन्होंने परमिशन ली हुई या नहीं ली हुई। अगर इस तरह कोई रजिस्टर्ड क्रैच होता है तो निश्चित तौर पर जो भी लोग वहां होते हैं वो हर तरह से वो डरे होते हैं, लेकिन जो अवैध रूप से खुले हुए हैं तो वहां पर हर किसी की मनमानी चलती है। जिस तरीके से यहाँ देखने को मिला, वहाँ बाकायदा कैमरे होते हैं कि जो बच्चे वहाँ रहते हैं कैमरे के सर्विलांस में रहे कि कोई बच्चों के साथ कोई गलत हरकत तो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ किसी तरह कोई नियम नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो पुलिस है उसको देखना चाहिए कि अगर ये क्रैच यहाँ पर चल रहा था और जो इसकी संचालिका है उसने परमिशन क्यों नहीं ली, तो उसके खिलाफ भी यहाँ पर कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए। जी श्वेता, तमाम चीजें जिस पर अब ध्यान देने की जरूरत है। चलिए अनुराग, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हमारी बात। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर उर्दू टीचर्स की भर्ती के लिए यूपी सरकार ने एक शर्त रखी है। नियुक्ति के लिए जारी नोटिस में कहा गया है कि अगर आपकी एक से ज्यादा पत्नी है तो आप राज्य में उर्दू टीचर नहीं बन सकते। ये नोटिस यूपी सरकार की ओर से जारी किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे शख्स से शादी की है जिसकी 2 पत्नियां हैं और वो जिंदा है, वो भी इस पद के लिए अपात्र ही होगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में 3,500 उर्दू टीचर्स की भर्ती के लिए आदेश जारी किया है। 10 जनवरी से शुरू होने वाली भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त रखी गई है, अगर इस शर्त को पूरा कर रहे हैं तभी आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। बहरहाल, वही नोटिस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि ये मुसलमानों के अधिकारों का दमन है। मुसलमानों ने सरकार के इस आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि हमारे धर्म में 4 विवाह की इजाजत है। इस आदेश का साफ तौर पर यही मतलब है कि मुसलमानों को नौकरी से वंचित रखा जाए। हालांकि सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि कोई भेदभाव किया जा रहा है। शिक्षा विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि ये निर्देश सिर्फ उर्दू शिक्षकों के लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो टीचर बनने में रुचि रखते हैं। अमिता पारुल हमारे साथ हैं इस वक्त। अमिता, मुझे ये बताइए कि इसके पीछे का तर्क क्या दिया गया है सरकार की तरफ से, और आप जिस तरह से ये बात कही जा रही है कि नहीं, अधिकारों को छीनने की कोशिश हो रही है, भेदभाव हो रहा है, रिएक्शंस भी सरकार के खिलाफ आ रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, देखिए रिएक्शंस इसलिए खिलाफ आ रहे हैं क्योंकि जो लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं उनका ये कहना है कि इस्लाम में 4 शादियां मान्य बताई गई हैं, तो इस तरह का भेदभाव सरकार को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम पहले से जो व्यवस्था लागू है उसको भी देखें तो सरकारी नौकरियों में जो
मुस्लिम लोग जाते हैं या जो लोग इस्लाम को मानते हैं वो जाते हैं, तो जो एक बीवियां रखते हैं उन्हें ही सरकारी नौकरी मिलती है। इस तरह का नोटिफिकेशन पहले से भी है और भारत सरकार में भी यही लागू है। अब जिस तरह से 3500 शिक्षक रखे जाने हैं यूपी में, उर्दू शिक्षक खास तौर से, उसमें सरकार ये कह रही है कि ये सिर्फ उर्दू शिक्षकों के लिए निर्देश नहीं है बल्कि ये सभी शिक्षकों के लिए है, तो इसमें उर्दू शिक्षक भी कहीं ना कहीं आते हैं। तो विरोध अब इसी बात को लेकर श्वेता लगातार हो रहा है कि इस तरह का भेदभाव सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम धर्म के मानने वाले या जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं वो इस बात को मानते हैं कि चार शादियां वैध हैं। लेकिन सरकार का ये तर्क है कि सरकारी नौकरी में जब आप आते हैं तो जो चीजें सब पर लागू हैं वो आप पर भी लागू होंगी, तो इसी वजह से इस तरह का हम विरोध देख रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार क्या कुछ करती है, क्योंकि इसी महीने इसको लेकर आवेदन आने हैं और करीब 19 जनवरी से बताया जा रहा है कि ये जो आवेदन है वो सरकार स्वीकार करेगी सभी शिक्षकों के लिए। तो अब ये देखना है कि बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट क्या इसमें कोई फेरबदल करता है या नहीं करता है। चलिए अमिता, आगे अपडेट लेंगे जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर में 3 लाख फ्लैट बायर्स को कोर्ट के एक फैसले से एक बड़ी उम्मीद जगी है। धोखाधड़ी के मामले में यूनिटेक के चेयरमैन रमेश चंद्रा, एमडी संजय और अजय चंद्रा को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जेल भेज दिया है। बेशक तीनों को चंद घंटों में जमानत मिल गई, लेकिन कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि ग्राहकों के धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर्स के लिए आने वाले दिन मुसीबत भरे होंगे। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने रमेश चंद्रा, संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को ग्राहकों से धोखाधड़ी करने के मामले में 14 दिन के लिए जेल भेज दिया था। बाद में इन तीनों को जमानत मिल गई। कोर्ट के इस फैसले ने दिल्ली एनसीआर में अपने फ्लैट का इंतजार कर रहे 3 लाख लोगों को राहत दी है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 8 सालों में 3 लाख फ्लैट ग्राहक अपने फ्लैट का इंतजार कर रहे बिल्डर्स को पूरा पैसा देने के बाद भी ग्राहकों को अब तक अपना आशियाना नहीं मिला, और ऐसे में यूनिटेक के मामले में कोर्ट का ये फैसला ग्राहकों के लिए जरूर उम्मीद बनकर आया है। दूसरे बिल्डर जल्द ही उन्हें फ्लैट दे, इसके लिए दबाव भी अब बन रहा है। तो कैसे ये केस दर्ज किया गया, ये पूरा मामला क्या है, इससे भी आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय कालरा और उनके कारोबारी साझेदार देवेश बादवा ने यूनिटेक के प्रोजेक्ट में घर बुक कराया था। ग्रेटर नोएडा के हैबिटेट अपार्टमेंट में संजय और देवेश ने ये फ्लैट बुक कराया था। यूनिटेक ने तय समय पर पोजीशन नहीं दिया, ग्राहक कोर्ट गए तो कोर्ट ने यूनिटेक को पैसा वापस करने के लिए कहा। कोर्ट के आदेश के बाद भी यूनिटेक ने शिकायतकर्ताओं को पैसा वापस नहीं दिया। कोर्ट ने यूनिटेक के 3 अधिकारियों को जेल भेज दिया। रमेश चंद्रा, संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को कोर्ट से मिली जमानत, हालांकि जेल भेजने के कुछ ही समय के बाद इनको जमानत भी मिल गई, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर ये उन बिल्डर्स के लिए एक सबक है जो पोजीशन देने में देर कर रहे हैं या फिर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की सोच रहे हैं। तो अब चलिए आपको एक वो बताते हैं, हम एक रफ स्ट्रक्चर, एक आइडिया बताते हैं कि बायर्स को फ्लैट मिलने में देरी कितनी और कहां-कहां हुई है। दिल्ली एनसीआर में ग्राहकों को अपने घर के लिए कितना इंतजार करना पड़ा है, ये हम सबसे पहले अगर दिल्ली एनसीआर में देखें तो 3 लाख ऐसे फ्लैट्स हैं जिनको पूरा होने में करीब 8 साल तक की देरी हो चुकी है। फ्लैट डिलीवरी में गाजियाबाद में औसतन 29 महीनों की देरी हुई, नोएडा में यही बढ़कर 30 महीने हो गई और गुड़गांव में बढ़कर के 34 महीने की देरी हो गई। बिल्डर्स की ओर से ये देरी बायर्स के लिए मुश्किलों भरी है, क्योंकि उनकी तरफ एक तरीके से घर मिलने में देरी से जहां पर वो रह रहे होते हैं वहां का रेंट, लोन, ईएमआई का बोझ, और ऐसे में एक आम आदमी जो घर का सपना लेकर घर बुक कराता है वो क्या करे। तो ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार ने एक नया रियल एस्टेट बिल भी वो लेकर आई है। नए रियल एस्टेट बिल के मुताबिक घर की कीमत कारपेट एरिया के आधार पर तय होगी, ना कि सुपर एरिया के आधार पर। प्रोजेक्ट का 70% पैसा एक अकाउंट में रखना होगा। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बदलने के लिए बिल्डर को 66% खरीदारों की इजाजत लेनी होगी। बिल्डर की तरफ से वक्त पर पोजीशन नहीं देने पर खरीदार के पास यह हक होगा कि वो अपनी रकम ब्याज समेत वापस लेकर ले ले। बिल्डर के नियम तोड़ने पर प्रोजेक्ट का पंजीकरण रद्द और प्रोजेक्ट की लागत का 10% जुर्माना लगेगा।